Welcome to the talk show Tourism, Hospitality and Aviation. आज का टॉपिक मेरे ख्याल से जितना यंग स्टूडेंट्स जो ज्वाइन करना चाहते हैं ट्रैवल टूरिज्म कोर्स, उतना ही इंटरेस्ट मेरे ख्याल से पेरेंट्स को भी होंगे कि भाई 12वीं हो गई है, ग्रेजुएशन हो गया है तो करे क्या. वन ऑफ द ऑप्शंस इन द मेनी, बहुत सारे मार्केट में, बट बहुत सारे ऑप्शंस के ऑप्शंस में एक ऑप्शन होता है बैचलर्स इन ट्रैवल एंड टूरिज्म. दैट्स अ डिग्री, इट्स अ बीए डिग्री, ओके, या वोकेशनल, बैचलर्स और वोकेशनल स्टडीज में ट्रैवल एंड टूरिज्म डिग्री 3 साल का कोर्स, या मास्टर्स इन टूर मैनेजमेंट या मास्टर्स इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट. बहुत सारे नाम हैं जो कि ग्रेजुएशन के बाद है, समझ में आया. तो एक है बैचलर्स, 3 साल का बैचलर्स कोर्स होता है, वो तीन साल का होता है 12वीं के बाद, और दूसरा होता है ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन जो मास्टर्स डिग्री मिलता है आपको, वो होता है मास्टर्स इन टूरिज्म मैनेजमेंट. उसके बहुत अलग अलग नाम है, दोनों को अलग अलग नाम है, लेकिन ये ध्यान में रखना है वो बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, वो मास्टर्स डिग्री होना चाहिए अगर आप इंटरेस्टेड हो. अब मैं एक बात कर रहा हूँ कोर्स कौन सी वाली, ट्रैवल एंड टूरिज्म की. जहाँ तक एडमिशन का सवाल है, कई कॉलेजेस क्या करते हैं कि आपको एक मिनिमम बेंचमार्क देते हैं, मिनिमम परसेंटेज देते हैं, 45%, 50%, 55% या 60%, ऐसे करके कहते हैं कि ट्वेल्थ में या ग्रेजुएशन में 55% होना चाहिए, मिनिमम मार्क्स होना चाहिए ताकि आप अप्लाई करें. हर एक कॉलेज में अलग अलग होता है, हर कॉलेज में सेम नहीं है, ठीक है. तो आपने, आपको पहला क्राइटेरिया है 50%, ये होना चाहिए. दूसरा क्या करते हैं कॉलेजेस, जहाँ पर एप्लीकेशन ज़्यादा मिलते हैं वो लोग एंट्रेंस एग्जाम रखते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट रखते हैं, और दूसरा इंटरव्यू का एक राउंड रखते हैं. तो एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब क्या है, जो आपने 12वीं तक पढ़ा है भैया कितना आपको समझ में आया है, क्या है, क्या आपको लैंग्वेज इंग्लिश समझ में आ रही है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ट्रैवल एंड टूरिज्म में, या कम्युनिकेशन स्किल, लैंग्वेज इंग्लिश नहीं, कम्युनिकेशन स्किल, आपका बोलने का तरीका, आपका सुनने का जो कैपेबिलिटी है, आप बात जो करते हो, जवाब जो देते हो, वो सब सारे चीज़ें हम लोग इंटरव्यू में जांचते हैं. उसके अलावा एप्टीट्यूड टेस्ट में, रिटन टेस्ट में 50 मार्क या 100 मार्क का टेस्ट में आपका जनरल नॉलेज, आपका करंट अफेयर्स, आपका नॉलेज ज्योग्राफी, ब्रीफ नॉलेज व्हाट यू हैव लर्नड इन हिस्ट्री, बिकॉज दीज आर सब्जेक्ट्स एसोसिएटेड टू ट्रैवल एंड टूरिज्म. सो टू थिंग्स, वन इज एंट्रेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, फॉलोड बाय एन इंटरव्यू. सब कॉलेजेस नहीं रखते हैं, सर्टेन कॉलेजेस दे कीप इट, सर्टेन कॉलेजेस डू नॉट कीप इट, ओके. सो वंस यू आर डन विथ योर एंट्रेंस टेस्ट एंड विथ योर एप्टीट्यूड टेस्ट एंड योर इंटरव्यू, योर मेरिट लिस्ट विल बी पुट आउट, ओके, एंड देन यू गेट योर एडमिशंस. दैट इज वन थिंग. द सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज हु शुड टेक अप अ ट्रैवल एंड टूरिज्म कोर्स. इट्स अ बिग क्वेश्चन. मेरा जो 25 साल का एक्सपीरियंस है, जो इंडस्ट्री में रह चुका हूँ मैं, और 20 साल उस पर मैं एजुकेशन में रह चुका हूँ, मैं जब इंटरव्यू लेता हूँ एक खास चीज़ नोटिस करता हूँ. एक चीज़ है कि बंदा जो सामने बैठा है, स्टूडेंट जो सामने बैठा है, वो उसे लोगों के बीच रहना अच्छा लगता है या नहीं, उसका बात करने का सलीका, जिस तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं अपने आप को. ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको अंग्रेजी पता होना चाहिए, अंग्रेजी कोई भी कभी भी सीख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात करने का सलीका सही है या नहीं, वो जब बात कर रहा हूँ मैं नर्वस नहीं है, वो जो मेरी बात बोल रहा है वो सुनाई दे रहा है कि नहीं, उसके हिसाब से जवाब दे रहा है या नहीं, ठीक है. बाकी के सॉफ्ट स्किल्स जो है हम लोग डेवलप कर सकते हैं बाद में, उनको सिखा सकते हैं, लेकिन ये बेसिक कोर जो है लोगों के बीच रहना, लोगों को समझना, लोगों की बातें सुन के अच्छा लगना, लोगों को सेवा करना, हेल्प करना, उनको सर्व करना, ये कोर एबिलिटी हर स्टूडेंट में होनी चाहिए. दिस अ कोर एबिलिटी. ये कोई माँ बाप बता के या भगवान बता के ऐसा आप नहीं कर सकते, ये सबके अंदर एक होता है. तो स्टूडेंट को पहचानना है कि मैं ऐसा बंदा हूं या नहीं. क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि 80% ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है ट्रैवल एंड टूरिज्म में, वो पीपल सेंट्रिक है. पीपल सेंट्रिक मतलब लोगों से मिलना जुलना होता है. 80% ऑफ जॉब, चाहे वो ट्रैवल एजेंसी हो, टूर कंपनी हो, एविएशन कंपनी हो, इवन एयरपोर्ट में जो होता है, जो ग्राउंड हैंडलिंग होता है, उसमें मोस्टली इट इज
हैंडलिंग कस्टमर्स, हर रोज हर पल हर मिनट आप नए लोगों को मिलते रहते हो, आइदर ईमेल लिखते हो, आप जानना पहचान आप ईमेल लिखते हो, या फोन पे बात कर रहे हो, या कस्टमर से सीधा बात कर रहे हो, जो भी हो, 80% जॉब इज अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर. एंड सेकेंड थिंग इज दैट यू शुड हैव अ क्यूरियस माइंड अपने आप में कि भाई दूसरों का कल्चर क्या है, उनका रहन सहन क्या है, वो क्या अच्छा, उनको क्या अच्छा लगता है, वो लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं. ये जो क्वालिटी है ना, कल्चर क्या है उनका, ट्रेडिशंस क्या है उनका, कस्टम्स क्या है उनका, ये होना बहुत ज़रूरी है. और हर बच्चे में अलग अलग मात्रा में है ये. अगर पेरेंट है, पेरेंट को ये बात समझनी है, ट्रैवलिंग टूर्स में पोटेंशियल है, कल जॉब मिलेगा, 25,000 का जॉब मिलेगा, इसके लिए बच्चे को मैं ट्रैवलिंग टूर्स में डालता हूँ, ऐसा मत सोचिए. सोचना है तो ये सोचिए कि आपका बच्चा, आपका स्टूडेंट, आपका बच्चा जो है लोगों के बीच में कैसे रहता है, क्या उसको कस्टम्स कल्चर समझना अच्छा लगता है, क्या उसको सही मायनों में एक जगह में जब जाता है वो तो कैसे वो रिएक्ट करता है. ये छोटी चीज़ें जो है अगर आप ऑब्जर्व करते हो और आपको लगता है कि आपके बच्चे में इंटरेस्ट है, तो फिर ट्रैवल एंड टूरिज्म एक वायबल ऑप्शन है. तो अगर स्टूडेंट अपने आप पहचान नहीं पा रहे हो, पेरेंट्स जो है, माँ बाप जो है, वो नोटिस कर सकते हैं. आप अगर नोटिस नहीं किया हो तो अब भी चालू करो, अब भी चालू करो, अभी भी वक्त है. आप साइन महीने में देखो क्या पढ़ता है ज़्यादा, कौन से भी इंटरेस्ट रखता है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रैवल एंड टूरिज्म में. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से इन दिस ज्ञान सेशन, दैट ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री और ट्रैवल एंड टूरिज्म कोर्स इज अ वायबल ऑप्शन. यस, वन मोर थिंग, द वंस हु आर वर्किंग ऑलरेडी इन द इंडस्ट्री, दे आर देयर डूइंग सम जॉब इन द इंडस्ट्री, दे वॉन्ट टू गेट द मेन फ्रेम, दे वॉन्ट टू कम इन टू रिजर्वेशन, दे वॉन्ट टू कम इन टू sales, they want to upgrade from, they want to come into the real forte of travel and tourism, then what to do? You can be in your job, guys, continue doing your job, help your home across, and there are courses from IATA, International Air Transport Association. They give up a lot of courses and their certification is universal. जहाँ पर भी है accept करते हैं वो लोग. Am I clear? तो वो IATA ऐसा course, IATA courses reservations में है, टिकटिंग में, रिजर्वेशन में है, सेल्स में है, और दो तीन और अलग एरियाज में है. थोड़ा एक्सपेंसिव है, नो डाउट थोड़ा एक्सपेंसिव है कोर्स, लेकिन लेट मी टेल यू दैट सर्टिफिकेशन हैज गॉट इंटरनेशनल वैल्यू. दैट मीन्स इफ यू डू इट इन इंडिया एंड देन टुमारो यू गो टू दुबई, इवन देयर दे विल एक्सेप्ट योर सर्टिफिकेशन. थैंक यू फॉर लिसनिंग. नमस्कार. बी कनेक्टेड विद अस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन Instagram, Facebook, and Twitter.